अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके सामने आज मैं बैन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। हमने नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखी है और लंबाई 3.25 रखी है और कट के लिए भी 3 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर 1/2 इंच पे हम मार्क करेंगे और उसे शेप दे देंगे और हम नेक को कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर को जोड़ लेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद हम बैन के लिए माप करेंगे। और यहाँ पर बैक नेक जो है वो भी हम 1/2 इंच पे कट कर लेंगे। बैन की लंबाई हमारे पास 17 इंच है तो यहाँ पर हम बुकरम लेंगे। बुकरम की चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है और लंबाई 4 इंच रखेंगे। और यहाँ पर हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर भी करेंगे और इसको हम गोलाई में शेप दे देंगे। और 1/4 इंच पे मार्क करते हुए हम बैन की कटिंग करेंगे। और यहाँ हमने एक सिलाई लगा ली थी अब हम उसे खोल लेंगे। एक बार फिर माप करते हुए हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम बुकरम को कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। और इस तरह से मार्जिन को फोल्ड करते हुए प्रेस की मदद से सेट कर लेंगे और ग्लू स्टिक से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक और फैब्रिक को लेते हैं उसको नीचे रख के सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम एक और सिलाई लगाएंगे और ये गुडनेस के लिए है, इसे अच्छे से बैन लग जाता है। और यहाँ पर छोटे कट्स लगाते हुए हम बैन को सीधा करेंगे ताकि पलटने में आसानी हो। ध्यान रहे कि सिलाई जो है वो कट ना जाए। और नोक को अच्छे से बाहर निकालेंगे।
इसे ब्रेसेस जो है वो सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद हम इसे जो है शर्ट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। और शर्ट के रॉन्ग साइड पे हम बैन की रॉन्ग साइड को रखेंगे। और यहाँ सेंटर से पहले ही हम सिलाई को रोक के दूसरे नोक से शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम बैंग के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।